हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपका धातु और उनके यौगिक को पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया प्रीवियस देख लीजिएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 221 से चालू होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने टोटल वीडियो प्रीवियस बना दिया है, सो आप उसे देख लीजिएगा। तो गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। पोटेशियम नाइट्रेट ये तो आपका बारूद कहलाता है, पता ही होगा दोस्तों, बताए थे आपको, ओके। पोटेशियम नाइट्रेट आपका क्या बारूद में यूज होता है। गन पाउडर मिश्रण है किसका दोस्तों? तो चारकोल, सल्फर, पोटेशियम का। चारकोल, सल्फर और पोटेशियम का बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। इससे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहा जाता है। बारूद, गंधक, कोयला, अंसोड़ा, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट या साल्टपीटर भी कहते हैं, ठीक है। सोड़ा को क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट या साल्टपीटर का मिश्रण होता है। यह मानव इतिहास का सर्वप्रथम निर्मित विस्फोटक था। बारूद का प्रयोग पटाखा एवं नोदक यानी प्रोपेलेंट के रूप में, देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि मानव इतिहास का सबसे प्रथम ये विस्फोटक था दोस्तों, ठीक है। और पटाखों एवं नोदक जिसे प्रोपेलेंट कहते हैं, ठीक है, कि अग्नि शास्त्रों में, ठीक है, किया जाता है। बारूद में चिंगारी पाकर तेजी से जलता है, जिससे भारी मात्रा में गैस और गर्म ठोस पैदा होते हैं, ठीक है। तो गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से। चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट होगा, ना कि पोटेशियम सल्फेट होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होना चाहिए। निम्न धातु जिनमें से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है? लिथियम आपका सबसे कम हल्का है और पोटेशियम आपका सबसे भारी है, ओके। लिथियम का डेंसिटी कम होता है, ऑस्मियम का डेंसिटी हाई होता है। दिए गए लिथियम में सबसे भारी धातु है तुम्हारा आपका ऑस्मियम, सबसे हल्की लिथियम। लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है, इसीलिए वह सबसे हल्की होती है, ठीक है। सबसे हल्की होती है, घनत्व कम होता है, क्या होता है? कम घनत्व है। और ऑस्मियम का सबसे अधिक घनत्व होता है, यही कारण है कि लिथियम सबसे हल्का तथा ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। सबसे हल्की धातु भारी धातु कौन है ये बताना है, ओके। देखिए अल्मोनियम आपका 13 होता है, ठीक है, 13 × 26 मास नंबर के आसपास आता है। लेकिन ऑस्मियम सबसे भारी है, लेकिन ये नहीं करा हमको दोनों, सब छोटा वाला भी होना चाहिए। सबसे छोटा लिथियम हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से, और ऑस्मियम। चिल्ली सोर किसका नाम है? चिल्ली सोर किसका नाम था दोस्तों? तो सोडियम नाइट्रेट का नाम है। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट पाया गया, तो सुधार दिए। हालांकि मैंने आंसर सही बोला था, सोडियम नाइट्रेट होगा, ठीक है। चिल्ली सोर किसका नाम सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का, नाइट्राइट नहीं, सोडियम नाइट्रेट होगा, ओके। जिसका सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है दोस्तों, इसलिए आपको सुधारा गया है। तो चिल्ली सोर्स किसका नाम है? सोडियम नाइट्रेट का नाम है, ओके। पोटेशियम नाइट्रेट आपका विस्फोटक होता है दोस्तों, ओके। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल मिला करके क्या बनेगा? विस्फोटक बनता है, ओके। अब पोटेशियम नाइट्रेट क्या है आपका? विस्फोटक है, ओके। जबकि बारूद में आपका किसका किसका? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। चिल्ली सोर किसका नाम है? चिल्ली सोर सोडियम नाइट्रेट का होगा, नाइट्रेट ना कि नाइट्राइट होगा, सोडियम नाइट्रेट होगा दोस्तों, ओके। सोडियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 होता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? NaNO3 है। चिल्ली साल्टपीटर जो होता है, चिल्ली में विशाल भंडार है इसका। सूक्ष्म सेल में किसका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो सूक्ष्म सेल में किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ओके। अमोनियम क्लोराइड
और जिंक क्लोराइड होगा, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ओके NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का प्रयोग शुष्क सेल में किया जाता है विद्युत अपघटक के रूप में। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आपको पता है दोस्तों, ये सब्लिमेशन प्रोसेस देता है, ठीक है, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन देता है। जिंक ZnO को क्या कहते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। समृद्ध यूरेनियम किसे कहते हैं, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मिता यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। येलो केक भी इसी का नाम से जाना जाता है, ओके, जिसे इंटरनेशनल तौर पर क्या कहा जाता है, इसका स्मगलिंग किया जाता है। समृद्ध यूरेनियम एक प्रकार का यूरेनियम है जिसमें यूरेनियम 235 की प्रतिशत संरचना आइसोटोप अलगाव की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ी है। प्राकृतिक यूरेनियम 99.284 यूरेनियम आइसोटोप है। यूरेनियम केवल इसके द्रव्यमान के लगभग 0.71% का गठन है। प्राकृतिक में मौजूदा एकमात्र न्यूक्लियाइड है किसी भी सराहनीय राशि में जो थर्मल न्यूट्रॉन के साथ विच्छेदन होता है, ओके। न्यूट्रॉन को कंट्रोल किससे करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अभिमंदक का कार्य कौन करता है, किस एक में रजत नहीं है, जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता यानी सिल्वर नहीं पाया जाता, इसमें जिंक रहता है, स्टील रहता है, ठीक है, जिंक रहता, निकेल रहता, कॉपर रहता है का मिश्रण होता है, ओके। हॉर्न सिल्वर को क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड कहलाता है। यशद पुष्प किसे कहते हैं दोस्तों, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहलाते हैं या फिलोसफर बुल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलोसफर बुल कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, फिलोसफर बुल कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण जिंक को हवा की उपस्थिति में तीव्र ज्वाला में जलाने पर होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तीव्र ज्वाला में जलाएंगे तब निर्माण होगा जिंक ऑक्साइड का, यशद पुष्प कहलाता है, ओके। यशद पुष्प को जिंक ऑक्साइड कहते हैं, जिंक ऑक्साइड या फिलोसफर बुल भी कहते हैं, ओके। जिंक ऑक्साइड को ये फिलोसफर बुल भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है ना, तो बेकिंग सोडा नाम है, क्या नाम है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा होगा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा होगा, ये एक बात का याद रखिएगा दोस्तों, पाउडर नहीं बल्कि सोडा, क्या होगा, सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, ओके, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अनुसूत्र NHCO3 है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, IUPAC नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ओके। सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, NaOH+CaO बिना बुझाओ चुना, ठीक है। बेकिंग सोडा कहा जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, बेकिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा ना कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कहा जाएगा। मसाला जिसे मार्टर एक मिश्रण होता है किसका, जल बालू और चूना पत्थर का या बिना बुझे हुए चूने का, बिना बुझे हुए चूने का। मार्टर एक मिश्रण होता है किसका, जल बालू और बुझे हुए चूने का। किसका होता है मार्टर मिश्रण, जल बालू और बुझे हुए चूने का मार्टर होता है दोस्तों, ठीक है, बोलते रहेगा इसे सुनते हुए याद हो जाएगा। मसाला या बंधक पदार्थ सीमेंट चूने व महीने
महीन मिलावे जैसे रेत सूखी पानी का सुघट्य मिश्रण होता है। इसका कार्य संरचना में उपयोग की जाने वाली इकाइयों का बंधन करना है। सीमेंट और रेत को 1:3 रेशियो में मिलाकर सीमेंट और रेत को 1:3 रेशियो में मिलाकर इसे जल से मिश्रित करके मॉर्टर बनाया जाता है। मॉर्टर जमकर ईंट पत्थर आदि को जकड़ लेता है। ईंट पत्थर आदि को क्या करता है, जकड़ लेता है, कठोर बना देता है। ओके, तो मॉर्टर किससे मिला होता है, जल बालू और बुझे हुए चूने का। ओके, अब बुझे हुए चूने का, बिना बुझे हुए चूने का कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बुझे हुए चूने का जल बालू और बुझे हुए चूने का, ना कि बिना बुझे हुए चूने का। ये क्वेश्चन में यही ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में आया हो दोस्तों, जल बालू और बुझे हुए चूने। ओके, बिना बुझे हुए नहीं बल्कि बुझा हुआ चूना होगा, जल बालू और बुझे हुए चूना, बुझे हुए चूना होगा। चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप बताइएगा। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaS4 2H2O होता है, ठीक है, जिप्सम का फार्मूला। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। पोटासियम नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट जो होगा विस्फोटक है आपका। ओके, और बारूद होगा कौन कौन, सल्फर चारकोल। ओके, सल्फर चारकोल और पोटासियम नाइट्रेट का मिक्सन से बारूद बनता है, लेकिन केवल विस्फोटक है पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड समुद्र में ज़्यादा पाया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रेट को दूसरा नाम क्या है, तो बॉक्साइड है। ओके, K2SO4+Al2SO4 का हॉल 3, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 24H2O। ओके, किसका मिश्रण है ये, तो वो फिटकरी का मिश्रण है। किसका है, फिटकरी का। इसे बीच बीच में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो विद्युत तापमापी के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन है, नाइक्रोम के तार को प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत तापी के लिए, विद्युत तापी के लिए साधन के लिए तापी घटक जो बनाया जाता है वह किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर निकेल और जिंक होता है, ठीक है। नाम भले है इसका जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर इसमें नहीं होता है, कॉपर निकेल और जिंक होता है। ओके, और नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है विद्युत तापमापी के लिए, ठीक है। धारा का उसमें प्रभाव, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरण के प्रयोग से होता है, ये प्रयुक्त किया जाता है। तापमापन उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडलियों से संचालित होते हैं जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व शामिल होते हैं, स्टेनलेस स्टील बोला है ना, लोहा क्रोमियम और कार्बन होता है, लोहा क्रोमियम और कार्बन भी होगा, ठीक है। लोहा क्रोमियम और कार्बन, कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, 0.5% से 1.5% के बीच में कार्बन होता है। ओके, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व शामिल है, लोहा क्रोमियम और कार्बन। ओके, लोहा क्रोमियम और कार्बन स्टेनलेस स्टील में प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक अकार्बनिक से क्या होते, कलुषित यानी खराब नहीं होते। इस्पात साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप सह सकते हैं, सही बात है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है, देखिए दोस्तों, अधिक टेम्परेचर को सह सकता है, ठीक है। इसमें 15-20% क्रोमियम होता है, 8-10% निकेल होता है, साधारण स्टील में होता है। क्रोमियम इस्पात के बाह्य तल को निष्क्रिय बना देता है, ठीक है, जो जंग रोहित लोहा बनाया जाता है, बाह्य तल को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। प्रतिरोधी शक्ति की वृद्धि के लिए निकेल भी मिलाया जाता है, निकेल के स्थान पर अंशता या पूर्णता मैग्नीज को भी मिला सकते हैं, ठीक है।
आकलुष इस्पात में यानी खराब होने की इस्पात के निर्माण में लोहे में कभी कभी ताम्र, कोबाल्ट, टाइटेनियम, नियोबियम, टाइटेनियम कोलोबियम, गंधक और नाइट्रोजन भी मिलाया जाता है। इनकी सहायता से विभिन्न रासायनिक, यांत्रिक या भौतिकी गुणों के अकलुषित इस्पात बनाए जा सकते हैं। ओके, तो स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व शामिल होते हैं? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। लोहा, क्रोमियम, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, कार्बन। नेक्स्ट है दोस्तों, निकेल का रंग सिल्वर कलर का होता है। निकेल का रंग और जिंक का रंग कैसा होता है? सिल्वर कलर का है। ओके, जिंक सल्फेट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? जिंक सल्फेट कवकनाशी के रूप में किया जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं? कवक, कवक लग जाता है उसके नाशी के रूप में प्रयोग करते हैं जिंक सल्फेट का। ठीक है, जिंक सल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं? कवकनाशी में। एक कृतंकनाशी का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं इसका क्वेश्चन करा दिया हूँ। जिंक सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है जो खाद्य पूरक यानी डाइट्री सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है। इसका उपयोग जिंक की कमी की पूर्ति होती है। इसके उपयोग से जिंक की पूर्ति होती है। पूरक के रूप में इसके अत्यधिक उपयोग से पेट दर्द, अत्यधिक उपयोग से पेट दर्द भी होता है, बवन भी होता है, सिर दर्द, थकान के लक्षण दिखते हैं। ओके, दूसरा आप देखिएगा, कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का यूज होता है। किसका होता है? जिंक सल्फेट का यूज होता है। लेकिन जिंक की कमी से धान के खेत में, धान की एक फसल है उसमें बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या है? खैरा रोग है दोस्तों। ओके, जिंक की कमी से होता है। जो बर्तन के प्रयुक्त होने वाला जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर, जिंक का, निकेल का होता है। कॉपर, जिंक, निकेल का। बर्तन के जर्मन सिल्वर, देखिए सिल्वर भले नाम है लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। ओके, कॉपर, जिंक का, निकेल होता है। कॉपर, जिंक और निकेल होता है। ठीक है, कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, जिंक, निकेल जर्मन सिल्वर में प्रयुक्त होता है। ओके, कॉपर और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। कॉपर और जिंक के तुलना, कॉपर और जिंक से क्या बनता है? पित्तल बनता है। ठीक है, पित्तल बनता है। कॉपर और टीन से क्या बनता है मिल करके? कांसा बनेगा। ओके, अल्मोनियम, माणिक्य का नाम सुने होंगे दोस्तों। ओके, तो माणिक्य किसका भाग होता है? तो अल्मोनियम का होता है। जिंक की कमी से कौन सी बीमारी होती है फसल में, धान के खेत में? रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है दोस्तों, तांबा और अल्मोनियम का। यस, तांबा और अल्मोनियम का मिश्रण होता है, मिश्र धातु है तांबा और अल्मोनियम। रोल गोल्ड एक मिश्र धातु किसका? तांबा और अल्मोनियम का। तांबा अल्मोनियम का, तांबा अल्मोनियम का, इसलिए पीलापन लगता है और उसके अंदर जब तोड़िएगा तो अल्मोनियम निकलेगा, इसलिए तांबा अल्मोनियम का रोल गोल्ड का मिश्रण होता है। रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है, इसका निर्माण भिन्न भिन्न के अनुपात में धातुओं को मिलाने के रूप में होता है। शुद्ध सोना अत्यधिक मुलायम होता है, इसके अतिरिक्त यह अत्यधिक महंगा भी होता है, इसलिए इसमें सोना महंगा होता है। रोल गोल्ड यानी कृत्रिम सोना, कॉपर 90% होता है, अल्मोनियम 10% होता है। ओके, तो रोल गोल्ड में किसका किसका मिश्रण होता है? कॉपर और अल्मोनियम का, जिसमें कॉपर 90% होता है, अल्मोनियम 10%। कठोर स्टील में कार्बन कितना होता है? 0.5% से लेकर 1.5% कार्बन होता है दोस्तों। ठीक है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन के मिश्रण से इस्पात बनता है। लोहा, क्रोमियम और कार्बन के मिश्रण से इस्पात बनता है। ठीक है, निकेल का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। कठोर स्टील में क्या होता है? 0.5% से 1.5% कार्बन होता है। जिस स्टील में 1% से 0.4% कार्बन उपस्थित होता है यह नरम स्टील यानी माइल्ड स्टील कहलाता है, जबकि कठोर स्टील 0.5% से 1.5% तक कार्बन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में निम्न से कौन सा नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता है? तो कॉपर होता है, सिल्वर नहीं होता, सिल्वर नहीं होता, निकेल होता है। ओके, कॉपर, निकेल, जिंक होता है, कॉपर, निकेल, जिंक होता है। ओके,
ZnO को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। बुलर सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, फिर या फिलोसफर बुल कहते हैं, फिलोसफर बुल या बुलर सॉल्ट दोनों कहते हैं, ठीक है, फिलोसफर बुल, फिलोसफर बुल कहा जाता है ZnO को, ये जिंक ऑक्साइड को, ठीक है। निकल रजत जिसे निकेल सिल्वर कहते हैं, तांबे का एक मिश्र धातु है, निकेल प्रायः जस्ता मिला होता, निकेल में प्रायः जस्ता मिला होता, इसमें 60% तांबा, 20% निकेल, 20% जस्ता होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है बल्कि पित्तल इलेक्ट्रॉन आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे निकेल चांदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चांदी जैसा दिखता है, इसलिए निकल चांदी भी कहा जाता है, किंतु इसमें चांदी नहीं होती। इसके नाम से जर्मन इसलिए आया है क्योंकि 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण जर्मन धातुओं कर्मियों ने किया था, ठीक है, इसलिए जर्मन सिल्वर के नाम से है जाना जाता है। तो कॉपर निकेल जिंक इन तीनों का मिश्रण होता है, कॉपर निकेल जिंक का, कॉपर निकेल जिंक का मिश्रण तो जर्मन सिल्वर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, माणिक्य और नीलम किसके उत्पादन होते हैं, माणिक्य और नीलम किसके उत्पादन है, तो अल्मोनियम के, ठीक है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है, तो अल्मोनियम के। कॉपर और टिन से कांसा बनता है दोस्तों, ठीक है, कॉपर और टिन से कांसा बनता है, कॉपर और जिंक से क्या बनता है, पित्तल बनेगा, ओके। माणिक्य और नीलम किसके उत्पाद होते हैं, अल्मोनियम के। आयरन में लोहा क्रोमियम और निकेल होता है, आयरन में लोहा क्रोमियम और कार्बन होता है, कार्बन का प्रतिशत 0.15 से लेकर के 1.5% तक होता है। माणिक्य और नीलम किसके उत्पादक है, एल्युमिनियम के। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम का। फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस और कंपाउंड बनाता है दोस्तों, ठीक है, जितना भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है, और टूट करके शीशा बनाता है। गैलेना जो PbS कहलाता है, ओके, PbS यानी लेड सल्फाइड के नाम से जाना जाता है, यह शीशा का क्या है, आयक्स है, ओके। अल्मोनियम माणिक्य और नीलम, माणिक्य और नीलम नाम सुने होंगे, ये अल्मोनियम का हिस्सा है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक तथा अन्य पोटेशियम लवणों के बनाने के उद्योग से बड़ी मात्रा में काम आता है, कांसा बताए थे, तांबा और टीन से बनता है, पित्तल तांबा और जिंक से बनता है, ए का 4 बी का 3। जर्मन सिल्वर कॉपर निकेल और जिंक से बनता है, कॉपर निकेल और जिंक से बनता है, सी का 2। तो ये होगा आपका आंसर। मृदन धातु सीसा एंटीमनी या टीन से बनता है, मृदन धातु किसे बनता है, सीसा एंटीमनी टीन से, बोलते रहेगा मृदन धातु किसे बनता है, सीसा एंटीमनी टीन से बनता है। चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा, ये SSC जैसे क्वेश्चन और UPSC का सब क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ज़रूर से देखें और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, ओके। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो थैंक यू दोस्तों।